भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं यार सहयोगी संगठनर षष्ठ संयुक्त ओडिशा राज्य अधिवेशन बालेश्वर जिलार गांधीश्रुति भवन ठारे अनुष्ठित होई जाय अछि। एथिरे संगठनर राष्ट्रीय प्रभारी सिद्धांत मौर्य अध्यक्षता करिथिले। उद्घाटक भावे शिक्षाविद मा जगदीश हाइबुर, मुख्य अतिथि भावे शिक्षाविद मा धीरेन्द्र जेना, मार्गदर्शक तथा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियरिंग सौम्य रंजन आढ़ो प्रमुख जगदे। सभा आरंभरे मोर्चार विराट शोभायात्रा गांधीश्रुति भवन ठारु बाहरी सहर परिक्रमा करिथिले। इंजीनियर सौम्य रंजन आढ़ो भारतीय विद्यार्थी मोर्चार राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज जमी आप देखिपे ओडिशार षष्ठ राज्य अधिवेशन बालेश्वर जिले में अनुष्ठित होती भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और सहयोगी संगठन मानकर एरीशी जिलूर आमर डेलीगेट साथी स्टूडेंट्स और यूथ मैंने उपस्थित होती। आम राज्य अधिवेशन करार उद्देश्य है कि ये देश में जो मान संख्या 40% ऊर्ध से स्टूडेंट्स और यूथ मानक से युवा वर्ग मानू जागृत करवा से जो समाज जो व्यवस्था अच्छी ए व्यवस्था विरुद्ध व्यवस्था को परिवर्तन परिवर्तन करने नेतृत्व डेवलप करने उद्देश्य एक प्रकार राज्य अधिवेशन अनुष्ठित करा। मेरा नाम सिद्धांत मौर्य है, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, छह संगठनों के राष्ट्रीय इंचार्ज की जिम्मेदारी है हमारी। हम लोग भारत के 22 राज्यों में लास्ट 29 जुलाई से लगातार हम लोग हर रहे हैं, राज्य स्तरीय प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसी स्टेट कन्वेंशन के अंतर्गत आज उड़ीसा राज्य में भी छठा राज्य अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, ये सारा रिजल्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है। देश के जो विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है, जो आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी इनकी समस्या ये है कि पढ़ लिख करके इनकी एजुकेशन हायर क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको कोई जॉब क्रिएट नहीं किया जा रहा, यानी रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं। रोज़गार यहाँ तक ख़त्म कर दिया गया कि CMI की रिपोर्ट बता रहे 22 तक नरेंद्र मोदी की सरकार में लगभग 1.40 करोड़ नौकरियाँ समाप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, CMI की रिपोर्ट ये भी बात सामने स्पष्ट किया है कि देश में 50,454 ऐसे CRPF के नौजवान हैं जिनको नौकरी छोड़ना पड़ा और उसमें से 612 नौजवानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा। इस तरीके से देश में इतनी बड़ी हालात बनी हुई है कि लोग बेरोज़गारी के कारण भूखमरी के शिकार होते जा रहे हैं, आत्महत्या दर बढ़ रहा है। NCRB की रिपोर्ट ये बात सामने स्पष्ट कर दी है, 2022 की रिपोर्ट लाई कि NCRB के अनुसार देश में हर दिन 38 नौजवान, सुशिक्षित पढ़ा लिखा नौजवान आत्महत्या करने को। और उड़ीसा ही नहीं, हम पूरे राज्य पूरे देश की बात कर रहे हैं, केवल उड़ीसा की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है राज्य स्तर का नहीं है, बल्कि हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी है, 22 राज्यों में है, इसलिए हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में ये हालात है तो उसमें उड़ीसा भारत से बाहर नहीं है, भारत के अंदर है, इसलिए उड़ीसा भी उसमें शामिल है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इस देश में जो शासक वर्ग है, 3.5% शासक वर्ग है, वो इस देश में लोकतंत्र ख़त्म कर दिया। लोकतंत्र का प्राणतत्व होता है प्रतिनिधित्व, प्राणतत्व जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो हमारी डिमांड है कि देश में लोकतंत्र बहाल किया जाए, एडवोकेट प्रतिनिधित्व, पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र नौजवानों को दिया जाए, तभी इस देश में न्याय हो सकता, वरना न्याय नहीं होगा, ये अन्याय होगा हमारे लोगों के साथ।